students, I hope you all are doing well. I am Maleen Ahmed, your course instructor, and today we'll be starting chapter number 8 of the novel Goodbye Mr. Chips. So in the previous lecture or in chapter 7 we discussed that Chip's life is nothing but just a recollection of the memories of Kathleen. He is all the time busy memorizing the old golden days of his life, and this is his sole engagement with the life nowadays. Coming to chapter 8, this is again the continuation of those reminiscences, and let's see what writer has to say now. This is page number 19, so I ask you people to open up your book and be on page 19 so that you may follow me easily. So this is quite short chapter, just comprised over one page, and in this chapter we will get the saddest news, and let's see what that news is. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare. वो कहते हैं उसके जहन में आज तक भी वो बाहर का वो दिन है, कब में, 98 में, व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रुकफील्ड, जब वो ब्रुकफील्ड से गुजर रहा था, ब्रुकफील्ड विलेज से, गांव से जल्दी जल्दी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत कोई डरावना ख्वाब देख रहा है, ठीक है. हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड वेयर द सन स्टिल शोन एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली. और वो ये स्ट्रगल कर रहा था, भागते भागते उसे लग रहा था कि ये जो है ये एक बहुत ही खौफनाक सा ख्वाब है और अभी मेरी आँख खुल जाएगी, और वो स्ट्रगल कर रहा था कि उसकी आँख खुल जाए और वो कहाँ चला जाए, वो उसी दुनिया में वापस चला जाए जहाँ पे स्टिल देर इज़ सन, देर इज़ सनशाइन एंड थिंग्स आर वर्किंग डिफरेंटली ओवर देयर. तो वो कहता है मैं उस दुनिया में जाना चाह रहा था, असली दुनिया में, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि ये ख्वाब की दुनिया में चल रहा. Young Faulkner had met there in the lane outside the school. इसको रास्ते में यंग फॉकनर मिलता है, एक अगेन इसका स्टूडेंट, और वो कहता है प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग अप. वो कहता है सर मैं आज की छुट्टी ले लूँ आफ्टरनून की, मेरे जो घर वाले हैं वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए ना. ए व्हाट्स दैट, ओ यस यस. Now you can see that Mr. Chips is very much preoccupied by something, by some incident or some thought. So he even did not give much attention to what Mr. Faulkner was saying. So he just said, "Okay, okay, yes. Can I miss chapel too, sir?" अच्छा मैं chapel भी miss कर सकता हूँ. Chapel मतलब prayer in the chapel. वो कहते हैं हाँ हाँ जाओ, yes yes. And can I go to the station to meet them? तो कहते हैं अच्छा तो मैं क्या अपने घर वालों से मिलने के लिए स्टेशन पे भी जाता हूँ, जा सकता हूँ. ही नियरली आंसर्ड. मिस्टर चिप्स इतना इरिटेट हो गए कि उन्होंने तकरीबन जो आंसर वो देने वाले थे या वो ऐसा कहने वाले थे, तो अगर चाहे उन्होंने कहा नहीं, बट ही नियरली आंसर्ड. क्या यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, मेरी बला से तुम लोग, ब्लेज कहते हैं आग, हम कहते नहीं आग लगे, आग लग जाए हमारी बला से, या हमारी बला से भाड़ में जाओ, ठीक है. फॉर आई ऑल केयर, आई डोंट केयर, माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ. मैं मुझे आई डोंट केयर एनी थिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम सो सेल्फ इनग्रोज इन माई ओन सॉरो एंड दैट सॉरो इज़ क्वाइट अ ग्रेट वन टू हिम. दैट इज़ नॉट सॉरो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी मिजरेबल सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर हिम. माई वाइफ इज हर हिज वाइफ डाइट in a childbirth, and not only his wife, rather his child, the newly born child also died, and I wish I were dead myself. And Mr. Chips is wishing that he must die with his wife. Actually he nodded and stumbled on. वो ये सब कहना चाहता था लेकिन उसने नहीं कहा, उसके 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 मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो he nodded, उसने बस सर हिलाया and stumbled on. और लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया. ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बडी और टू रिसीव कंडोलेंसेस. वो किसी से बात नहीं करना चाहता था.
वो किसी की ताज़ियत लेना नहीं चाहता था। कंडोलेंस मतलब ताज़ियत करना। वेन एवर समवन डाइज़ वी गो टू देयर हाउस और वी मीट देम एंड वी गिव आवर कंडोलेंस टू देम, हम ताज़ियत करते हैं, तो वो ताज़ियत भी किसी की लेना नहीं चाहता था। ही जस्ट वॉन्टेड टू बी हिमसेल्फ, ही जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन, ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स इफ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर। वो कहता था, वो ऐसा सोच रहे हैं मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स को असल में इस वक्त यकीन नहीं आ रहा, वो इस सिचुएशन को एक नाइटमेयर समझ रहे हैं, या उनके उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अभी वो यूज टू नहीं है इस बात से कि देर इज़ नो मोर हिज वाइफ, हिज बिलवड वाइफ हैज़ बीन विद हिम फॉर अबाउट ओनली वन ईयर, एक साल वो उनके साथ रही है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड दैट वन ईयर वॉज गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ एंड नाउ शी इज़ नो मोर। तो वो चाहता है कि वो इस बात को पहले ग्रेस्प कर ले और फिर वो जाए लोगों के पास और लोगों के, ताकि वो लोगों के जो रहम दिलाना कलमात हैं उसके लिए या वो जो कंडोलेंसेज हैं वो उनको एक्सेप्ट कर सके या उसको फेस कर सके। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर, उसने अपना चौथा लेक्चर जो था वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा लेता था, कॉल ओवर सेटिंग देम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट, और उसने स्टूडेंट्स को काम दे दिया कि आपने ये ग्रामर जो है वो आपको याद करनी है। वाइल ही इंसेल्फ स्टेट इट इज लाइक इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रांस, और ख़ुद वो अपनी डेस्क पर बैठा रहा अपनी सीट पर बिल्कुल कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रांस, कोल्ड कंटिन्यूइंग एक ट्रांस, व्हाट्स अ ट्रांस, ट्रांस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच यू गेट टू मच इंडल्ज, टू मच इन्वॉल्व दैट यू डू नॉट नो दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। सर्टेन टाइम जब आप कोई बहुत दुखी फिल्म का सीन देख रहे हो तो आपको इर्द गिर्द पता ही नहीं लगता आपके यहाँ क्या हो रहा होता है, एंड यू आर सो एनरोस्ड इन दैट सीन। तो सेम इज़ द ट्रांस विद मिस्टर चिप्स, लेकिन इनका ट्रांस जो है वो नमनेस का ट्रांस है। ही इज़ नॉट एबल टू मूव फील एनी थिंग बिकॉज ही वॉज टू मच सॉरफुल, ही वॉज टू मच ग्रीव्ड, एंड दैट वॉज दैट ट्रांस वॉज कोल्ड, कोल्ड मतलब कोल्ड यहाँ पे इसका आ रहा है बेटा कि वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था, ये ट्रांस टूट नहीं रहा था। सडनली समवन सेड, एकदम से किसी ने कहा, प्लीज़ सर देर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, आपके लिए बहुत सारे खत आए। सो देर वर ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज़ ऑन देम, दे वर ऑल एड्रेस्ड टू हिम बाय नेम, तो उसने उसके लिए बहुत सारे लेटर आए हुए थे, तो वो सारे के सारे उसके टेबल पे रखे हुए थे, तो और वो उसके नेम्स आए थे। ही टोल्ड देम ओपन वन आफ्टर द अदर, एक एक करके वो खोलता गया, बट ईच कंटेन नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, किसी के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ब्लैंक शीट थी, एक सफ़ेद खाली कागज़, जिन सब लोगों ने भी उसको ये ख़त भेजे थे उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे इट वॉज रादर पेक्यूलियर, उसको एकदम एक सोच आई बहुत डिस्टेंट वे, यानी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंग्रोज नहीं था उस सोच में, लेकिन उसको ये ख्याल आया और बड़े पर्टिकुलर, बट ही एडमिट नो कमेंट, लेकिन उसने कोई कमेंट जो है वो नहीं दिया। द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेटर प्रीक्यूपेशन, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था, ये जो वाक्य था खाली ख़तों का, ये कोई इतना बड़ा वाक्य नहीं था, क्योंकि वो जिस किस्म की प्री ऑक्यूपेशन से गुजर रहा था, यानी वो जिस किस्म के हालात से गुजर रहा था, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था अब कि लोग उसे खाली ख़त लिख रहे हैं। उसके जहन में ख्याल आया था, अब हम देखते हैं कि वो ख्याल क्या था। नो टिल डेज आफ्टरवर्ड डिड ही रियलाइज, और कितने ही दिनों बाद उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, दैट वॉज एक्चुअली फर्स्ट अप्रैल, एंड दैट इज़ वाई एवरीबडी वॉज सेंडिंग हिम द एम्प्टी एनवेलप्स और एम्प्टी लेटर्स। नाउ यू ऑल नो दैट फर्स्ट अप्रैल और द अप्रैल फूल इज़ अ काइंड ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न countries where they fool each other just out of mischief, ठीक है, ऐसे शरारत करने के लिए फर्स्ट अप्रैल को आपस में एक दूसरे को फूल करते हैं। They had died on the same day, अब वो देख अब उसके जहन में ख्याल आता है कि they had died, his wife and his child, दोनों के दोनों वो मर गए थे। The mother and the child just born on the April 1st 1898, दोनों फर्स्ट अप्रैल 1898 को मर गए थे। नाउ दिस वाज अ फूलरी विद नेचर डेड टू हिम प्लेड टू हिम, एंड दिस वाज यू कैन से द क्रूलेस्ट काइंड ऑफ फूलरी व्हिच कुड बी प्लेड ऑन अप्रैल फूल। सो दिस इज क्वाइट अ पैथेटिक चैप्टर इन विच वी केम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ द
मिस्टर चिप्स वाइफ कैथरीन एंड दिस इज सो डिप्रेसिंग अ चैप्टर आई यूजली गेट डिप्रेस आफ्टर रीडिंग इट सो लेट्स लीव इट हियर दिस इज क्वाइट अ शॉर्ट एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू टुमारो बाय विद चैप्टर नंबर 9 अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़